हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने घर में ये इस तरह के, जैसे कि प्रिंटेड सूट हैं या दुपट्टे हैं या फिर जो हम लोग कुर्तियाँ पहनते हैं या फिर बच्चों की फ्रॉक है, टॉप है, इस सब का यूज़ हम किस तरह से करेंगे और बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाएंगे। और अगर आप पुराने कपड़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग सिलाई करते हैं, तो सिलाई में भी बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े, बड़े बड़े कतरन बच जाते हैं, तो उसका भी हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक थिंग है, ज़रूर बनाइएगा आप अपने घर में। तो देखते हैं वीडियो में मैं ऐसा क्या बनाती हूँ जो इस तरह के कपड़े मैंने यूज़ किए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या है मैं ऐसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मेरे ही चैनल पर आप सबको देखने को मिलेंगे, जो मैं काफ़ी डिटेल में आप सबको समझाती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और कमेंट करके बताया करें कि आप सबको मेरी वीडियोस कैसे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक आटे वाली बोरी से, जो आटा बैग हमारे यहाँ आता रहता है उसी से। और ये देखिए, मैंने ये इस तरह का कपड़ा मेजरमेंट किया है, जिसका चौड़ाई है 10 इंच और जिसकी ऊंचाई है 13 इंच, और इसको हम इस तरह से कट कर लिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा गुलाई देते हैं, उसके बाद आटा बैग के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद से इसको पिनअप कर देंगे। तो ये जो हमने कपड़ा तैयार किया है वो हमारा 2 पीस है 13x10 का, और इसको हम इस तरह से बराबर करते हुए कट कर लेंगे यहाँ से। अब हम इसका पिनअप हटाएंगे, क्या होता है जब बराबर हो जाए। तो देखिए, तो 2 पीस हमारे आटा बैग का निकला है, 2 पीस ये हमने कट किया था। अब इसी के बराबर हमें फोम भी कट करना है। तो पहले तो ये आटा बैग था, इसलिए हम इसको अंदर से आटा लगा हुआ था, तो इसको तो पहले हम साफ़ कर लेते हैं, काफ़ी फैल चुका था। तो ये देखिए, पहले हम इसको रखेंगे आटा बैग को, उसके बाद फोम रखेंगे, और इसके बाद से हम इसको बराबर इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये भी 2 पीस हमारा होगा। तो इसको पहले हम देखिए, नीचे हमने आटा बैग रखा, फिर बीच में फोम, ऊपर से कपड़ा हम रखेंगे और इसको फिर से हम पिनअप कर देंगे। तो ऐसे ही दोनों पीस हमें तैयार कर लेने हैं। और इस एक्स्ट्रा जो पार्ट इसका निकला हुआ है फोम का, उसे हम कट करके हटा देते हैं। अब चलते हैं मशीन के तरफ और इस पे हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद से हम बीच में भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे, चौकोर पीस में या फिर जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो इस तरह से चौकोर पीस ही लगाया था। इस तरह के 2 पीसेस हैं, ये देखिए मैंने आपको दिखाया, इसका मेजरमेंट वगैरह सब कुछ दिखाया। तो ये पीछे आप लोगों ने देखा है कि ये जो आटा की थैली आती है वो है, और इसमें फोम लगाया है, और ये ऊपर से कपड़ा है। तो इसका मेजरमेंट मैंने बताया हुआ है कितना बाई कितना है। तो ऐसे में बता देती हूँ, इसका मेज़रमेंट है, चौड़ाई इसके 10 इंच है और ऊंचाई इसकी जो है वो 13 इंच है, और ऊपर से मैंने हल्का सा गोल शेप दिया हुआ है। इसके अलावा हमने इसमें सिलाई इस तरह से डाल दी है, ये देखिए क्रॉस वाली सिलाई डाल दी है। इस तरह से कर लेना है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या बन के रेडी हो रहा है। और दूसरा मैंने पीस इस तरह का तैयार किया है, ये देखिए इस तरह का है। तो इसमें भी सेम है, पीछे हमने आटा वाला बैग का इस्तेमाल किया है। इस जगह पे आप जो बोरी आती है घर में उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ये चौड़ाई जो है, मेजरमेंट ले, इसकी चौड़ाई मैं बताती हूँ अभी आपको कितना है। इसकी चौड़ाई है, ये चीज़ है, ये 19 इंच है, ये चीज़ 19 इंच है, और इसकी ये लंबाई जो है 35 इंच है। तो इस तरह का एक पीस हम तैयार करेंगे, दो यानी टोटल 3 पीस हैं हमारे, एक बड़ा वाला और 2 छोटे वाले। तो अब इसका क्या करना है बताती हूँ। अब इतना सब कुछ हो गया, हम इसे साइड में रखेंगे। फिर से हम एक पीस लेते हैं, इसकी लंबाई है करीब 14 इंच, 15 इंच है, और इसकी चौड़ाई है 7 इंच। तो इस तरह का एक पीस फिर से हम लेते हैं, और इस बार हम बुकरम लेंगे।
और बुकरम की जगह पे आप यहाँ पे फिर से आटा बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बुकरम लिया था क्योंकि आटा बैग मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसलिए इसको टाइट थोड़ा सा रखना था इसलिए मैंने नीचे से बुकरम का यूज़ किया है। बीच में फोम है और ऊपर से फिर से हमने ये कपड़ा लगा दिया। अब इसको फिर से हम पिनअप कर लेंगे और फिर से मशीन की तरफ चलते हैं और फिर से सेम जो प्रोसेस हम लोगों ने किया है वैसा ही सेम प्रोसेस करेंगे, यानी चारों तरफ से सिलाइट देंगे और बीच में भी हमें बॉक्सेस बना लेने हैं। उसी तरह से सेम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से बॉक्सेस हमें बना लेने हैं। अब क्या करना है कि ये जो हमारा पीस है इसको हम डबल इस तरह से करेंगे। डबल करने के बाद से बिल्कुल बराबर करना है, बराबर करने के बाद इसे बीच से कट कर लेंगे। देखिए ये दो पीस हमारा तैयार हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है कि इस तरह का मेरे पास लेस था तो मैंने उसके एक तरफ से मैंने इस तरह से अटैच कर दिया। आप इस जगह पे कोई भी लेस यूज़ कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने यूज़ किया है वैसा ही आप करें। आप पतला मोटा किसी भी तरह का लेस यूज़ कर सकते। उसके बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा से फोल्ड करके और चारों तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई दे दी है। चारों तरफ से नहीं दिया है, बस दो तरफ से दिया है। ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे और नीचे हम सिलाई देंगे, इसलिए नीचे और ऊपर नहीं करना है। ऊपर से हम इस तरह से कोई भी कपड़ा किसी भी कलर का लेते हुए अपने कपड़े से मैच करते हुए इस तरह से पहले सिलाई देंगे और इसको पलट के पीछे की तरफ से फिर से सिलाई दे देंगे। अब देखिए हमारा पाइपिंग बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर बीच में सेंटर में और इसको पिनअप कर देते हैं। पिनअप करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है, आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से साइड साइड से जो हमने पिनअप किया था सिलाई लगा लेंगे, यानी हमारा ये पॉकेट बन रहा है। अभी भी आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बन के रेडी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हमने दोनों जो हमारे आगे जो हमने दो पीस तैयार किए थे उस पर हम कर लेंगे। उससे पहले हम इस पर इस तरह से फिर से हम यहाँ पे पाइपिंग देंगे। तो देखिए हमारा ये दोनों पीस पे इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा जो बड़ा वाला जो पार्ट था उसका जो 19 इंच वाला एरिया था उसको हम यहाँ पे फिर से पाइपिंग देंगे, जिस तरह से हमने छोटे वाले पार्ट में पाइपिंग दी थी उसी तरह से हमें पाइपिंग देना है दोनों तरफ से। तो 19 इंच वाले पार्ट को देना है, यानी चौड़ाई की तरफ से देना है हमें। तो ये पहले कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आप सबको। अब हमारा इतना हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ से जहाँ से हमने पाइपिंग दिया है पाइपिंग वाली एरिया से जो हमारा लंबाई वाला एरिया है उसको हम इस तरह से घुमाते हुए पिनअप करते जाएंगे, ताकि हमें समझ में आए कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है और अच्छे से सेट हो जाए और सिलाई के समय कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम इस तरह से करेंगे। तो अगर थोड़ा सा आपका पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उसे कट कर दीजिए, वैसे तो एक्स्ट्रा नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप उसे कट करके हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हो चुका है। इस तरह से हमें दोनों तरफ से पार्ट को अटैच कर देना है। तो चलिए इसको मैंने पिनअप किया है, इसके बाद से ऊपर से पक्की सिलाई दे देंगे। चलिए सिलाई चारों तरफ से दे लेते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से ये सिल चुका है, दोनों तरफ से मैंने सिल दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिर से ये देखिए हमने कपड़ा लिया है मैरून कलर का और इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई हम अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग देना है इस पर जो हमने सिलाई ऊपर की तरफ से दी है। तो ये इसकी सिलाई इस तरह से दिखनी नहीं चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पाइपिंग डालेंगे। तो पाइपिंग के लिए पहले एक तरफ से हम चारों तरफ से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, उसके बाद से हम चारों तरफ से देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। उसके बाद से हम जब ये सिलाई हो जाए तो इसको इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिर से हमें सिलाई दे देनी है। तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये हमारा देखिए चारों तरफ से हमने दोनों एरिया में पाइपिंग लगा लिया। अब करना ये है आगे कि ये हमारा नेट का फैब्रिक है रेड कलर का और इसे मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए इस तरह से मोटी सिलाई दे दी है यहाँ पर।
अब बीच में हमने सिलाई दे दी, इसको क्या करेंगे, एक धागा हम पकड़ के इस तरह से हम इसको खींचेंगे। जब हम खींचेंगे तो इस तरह से हमारा फ्रिल बन जाएगा। तो इसी तरह का फ्रिल बनाना है हमें। देखिए मैंने इतना सारा ये बना लिया है वाइट कलर का। और अब हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर जो हमारा गोल वाला पार्ट था उस पर हम इस तरह से लगा देंगे, इसको दोनों तरफ लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए फ्लावर मैंने कुछ बनाए हैं यहाँ पे रंग बिरंगे, और फ्लावर बनाने का तरीका मैंने सिखाया है वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको फ्लावर बनाने आ जाएगा। अगर नहीं तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के मैंने साटन के कपड़े पे पत्ती बना ली है। अब क्या करेंगे, ग्लू गन की हेल्प से इसे यहाँ पर टाक देना है। अगर आपके यहाँ ग्लू गन नहीं है तो आप इसे सुई धागे की हेल्प से भी टाक सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टाक दिया है। नेट का कपड़ा मेरे पास काफ़ी कलर के थे, लेकिन मैंने यहाँ से दो तीन कलर का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से नेट का कपड़ा, अगर आपके पास नेट का कपड़ा नहीं है तो साटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या वेलवेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साटन कपड़े के मैंने पत्ते बनाए थे, और पत्ते को कुछ शेप देते हुए मैंने इस तरह से यहाँ पर चिपका दिया। अब ये देखिए कितना सुंदर बन गया। और अभी तक आप सबको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बन के रेडी हुआ है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मशीन का ये कवर है जो काफ़ी ही सुंदर बना हुआ है। बचे हुए कपड़े का मैंने यूज़ किया है इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ दो कलर दिख रहा होगा, क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा है। बहुत ही सुंदर चीज़ बन के तैयार हुई है। जो दोनों तरफ मैंने पॉकेट बनाया है, इसमें आप इस तरह के मशीन की जो चीज़ें होती हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोनों तरफ पॉकेट है तो काफ़ी सारा सामान आ जाएगा इसके अंदर। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका, आप लोग इधर से देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमने जो ये चुनटे बनाई थी उससे इसका लुक काफ़ी सुंदर आया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप सबको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये बताया करें कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।